Hello, welcome to Train Your Mind. This is Satyamandal, your mind power trainer. Today, we are going to discuss about the second part of the New Year Mind series. So, aaj ka jo topic hai, ye hai, what is mind and where is it? So, aaiye jante hai, mind kya hai? What is mind? Mind kya hai? Aaiye jante hai. Pehla to, aap isko thoda details mein dekhiye. ये कंप्यूटर सिस्टम है, ये ह्यूमन बॉडी है, जैसी की तरह ये एक हार्डवेयर सिस्टम है। यहाँ पे मैंने दिखाया हूँ, ये हार्डवेयर सिस्टम जैसा काम करता है। ये हार्डवेयर बॉडी कंप्यूटर का पार्ट से बॉडी पार्ट लाइक दैट, ये हम लोग का हार्डवेयर है। ये हार्डवेयर को इसके साथ मैं सिमिलाइज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा माइंड क्या है और ये कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं, इसको डिटेल्स में समझने को कोशिश करते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर पार्ट्स रहता है, ठीक है, ऐसे ही हम लोग का जो हार्डवेयर है उसके अंदर भी बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट्स हैं। ये लाइक कंप्यूटर सिस्टम हम लोग का ह्यूमन का बॉडी और माइंड भी काम करता है। तो नेक्स्ट थिंग, ये जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर ऑपरेट करता है, किस में ऑपरेट करता है, ये विदाउट सॉफ्टवेयर ये ऑपरेट नहीं कर सकता। जितना भी हार्डवेयर आप देख रहे हैं, ये हार्डवेयर तभी एक्टिव होगा जब इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला जाएगा। लाइक दैट ह्यूमन बॉडी में इतने सारे फंक्शन से, इतने सारे हार्डवेयर से, लेकिन ये भी काम करता है हम लोग का कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर से। वो सॉफ्टवेयर का नाम है माइंड। आइए और थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कंप्यूटर में ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद ये सारे चीज काम करने लगता है, ये सारे सॉफ्टवेयर एक्टिव हो जाता है। लाइक दैट ह्यूमन बॉडी में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं माइंड। ये अगर एक्टिव हो गया तो सारे जो प्रोसेस है वो अपने आप चलने लगता है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम का जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ह्यूमन बॉडी का है माइंड। यहाँ पे और एक चीज मैं बताना चाहूँगा, कंप्यूटर सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर हम लोग देखे यहाँ पे, ये सॉफ्टवेयर तैयार कैसे होता है? ये सॉफ्टवेयर तैयार होता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम से। यस, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम से। लाइक दैट ह्यूमन बॉडी का जो माइंड सॉफ्टवेयर, ये माइंड सॉफ्टवेयर कैसे तैयार होता है? ये माइंड सॉफ्टवेयर तैयार होता है अपना थॉट प्रोसेस से, अपनी थॉट से। ये थॉट क्रिएट करता है माइंड। तो ये जो सिमिलैरिटी आपने देखे अभी, इस सिमिलैरिटी को और एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा ये टोटल प्रोसेस क्या है। एक कंप्यूटर सिस्टम में, ये कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर रहता है मेन पार्ट। वो हार्डवेयर एक्टिव होता है सॉफ्टवेयर को लेकर। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैन नॉट वर्क। अगर एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया तभी जाके हार्डवेयर काम करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट थिंग, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये सॉफ्टवेयर बनाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से या प्रोग्राम से। सिमिलरली ह्यूमन बॉडी का जो हार्डवेयर है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये हम लोग का हार्डवेयर है। ये हार्डवेयर तभी एक्टिव होगा, ये हार्डवेयर तभी काम करेगा जब हम लोग का सॉफ्टवेयर वहाँ पे इंस्टॉल होगा जो कि माइंड। ये माइंड कैसे काम करता है, ये माइंड कैसे तैयार होता है, ये अपने थॉट से तैयार होता है। इसको ध्यान से समझिए, हम लोग का माइंड जो है वो क्रिएट होता है अपने थॉट से। इसका डिटेल्स प्रोसेस धीरे धीरे अगली कड़ी में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज का वीडियो में ये मेन पॉइंट था कि माइंड कहाँ पे है। ये हम लोग का बॉडी का सॉफ्टवेयर पार्ट है। आप एक सिनेरियो को कंपेयर कीजिए। एक दिन सुबह सुबह आपको कुछ बैड न्यूज सुनने को मिला, तो आपका उस दिन एनर्जी लेवल, आपका फिजिकल लेवल क्या रहेगा? सियरली कुछ डाउन हो जाता है। लेकिन दूसरे दिन सुबह उठे तो आपको कोई अनएक्सपेक्टेड एक अच्छा संवाद मिल गया, एक अच्छा रिजल्ट आपको मिल गया, तो आपका एनर्जी लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? फिजिक्स तो सेम है, आपका बॉडी सेम है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आया, एक बैड इन्फॉर्मेशन आया, आपका थॉट बैड क्रिएट हुआ, आपका एनर्जी लेवल गिर गया। उसके अपोजिट में जिस दिन आप कोई अच्छा न्यूज सुने, मीन्स पॉजिटिव थॉट क्रिएट हुआ और एनर्जी लेवल बढ़ते चला गया। यानी कि माइंड थॉट के हिसाब से काम करता है, माइंड थॉट से ही क्रिएट होता है,
जैसे कि कंप्यूटर रन्स ऑन प्रोग्राम्स लाइक दैट ह्यूमन बॉडी रन्स ऑन आवर थॉट्स। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़ सकते हैं। अगर आपका माइंड में अभी भी कुछ क्वेश्चंस चल रहा है तो आप जरूर पूछिए, क्योंकि ये मेरा डिटेल्स यहाँ पे है। मेरा वेबसाइट से आप कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फेसबुक पेज से आप कनेक्ट हो सकते हैं, यूट्यूब चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। नहीं तो आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना है या कुछ जानकारी चाहिए तो आप ये व्हाट्सएप नंबर से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिंदगी एक बार मिला है, इसको बिल्ड करने को ट्राई कीजिए। एक पीसफुल हैप्पी या सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए पॉजिटिव मेंटलिटी जरूरी है, पॉजिटिव लिविंग जरूरी है। मेरा कोशिश यही है कि ये वीडियो माध्यम से, ये चैनल के माध्यम से आप लोगों तक छोटे छोटे बात बता सकूं, ताकि शायद आप लोग का काम में आ सकता है। वो मेरा ही इंटेंशन है। ये अगर 1% 2% भी आपका लाइफ में पॉजिटिविटी या पॉजिटिव लिविंग का वे मैं पहुँचा सकता हूँ तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल day.